empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Also, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आपने बाथरूम में कैसे चीजें रखते हो, स्किन केयर कैसे रखते हो, कुछ आइडिया बताओ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड पहले एक चीज बता दूं, मेरा जो बाथरूम है वो बहुत ही बेसिक है. बेसिक मतलब जैसे नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बहुत सारी चीजें सजा के रखी है, सजाया कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक है. सो आई जस्ट होप कि आपको ये पसंद आएगा. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें और मैंने कैसे अरेंज की है. सो यहाँ से हम एंटर करते हैं. एंड एंटर करने के बाद जो सबसे पहला एरिया होता है, या फिर आप सुबह उठते सबसे पहले जाते हो ब्रश करने, तो ये हमारा एरिया है जहां पर हम फेस वॉश करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं. स्टार्ट करते हैं इधर वाले एरिया से. यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें रखी हैं. यहाँ पर जैसे मेरा बॉडी बटर है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ परफ्यूम वगैरह है जो हम यूज करते हैं, रूम फ्रेशनर वगैरह है. एंड इसके बाद यहाँ से मेरा सेक्शन शुरू होता है. ज्यादातर आपको इस बाथरूम में जो चीजें मिलेंगी वो मेरी ही मिलेंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ भी यूज नहीं करते, मैं ही ज्यादातर चीजें यूज करती हूँ, तो यहाँ पर आपको वही सब मिलेगा. तो यहाँ पर सबसे पहले है मेरे स्क्रब वगैरह है, जैसे मेरे पास ओप्टन का फेस स्क्रब है, चारकोल का है. एंड उसके अलावा ये एक प्रोडक्ट है जो कि मैं काफी ज्यादा यूज करती हूँ, ये पिलग्रिम का ग्लो क्रीम सेरम है, बहुत ही अच्छा है, तो मैं यूज करती हूँ. ज्यादातर चीजें क्या होती है, रात में आप जब फेस वॉश करते हो तो आप सीरम वगैरह अप्लाई करते हो, तो मैं ज्यादातर चीजें यही रखती हूँ, सो दैट कि मैं यहाँ पर फेस वॉश करूँ एंड यहाँ से चीजें लगा के उसको अप्लाई कर लूँ. क्योंकि क्या होता है कि जब मैं बेड पे अगर एक बार पहुंच गई, उसके बाद तो मेरे अंदर इतना आलस आ जाता है कि फिर मैं कोई भी स्किन केयर नहीं कर सकती, इसीलिए मैं सारी चीजें यहीं पर रखती हूँ. तो यहाँ पर ये मैंने रखा है. इसके अलावा यहाँ पर कुछ शैम्पू वगैरह है जो एक्स्ट्राज में रहते हैं, या फिर जो कई बार चेंज करके यूज करना होता है. इसके अलावा यहाँ पर मेरे सारे फेस वॉश आपको मिल जाएंगे जो भी मैं यूज करती हूँ, जैसे कि ग्रीन टी फेस वॉश है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ऐड कर रही हूँ ममर्थ की, बट ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है एक्चुअली. सो यहाँ पर मेरे फेस वॉश रखे हैं काफी अच्छे अच्छे, जो कि मुझे पसंद है काफी ज्यादा. एंड इसके अलावा मेरे यहाँ पर ऑर्डिनरी का ये सीरम रखा है जो कि मुझे बहुत पसंद है. ये केमिकल पील है जो कि मैं दो हफ्ते में एक बार यूज करती हूँ, बट ये मेरी नजर के सामने रहता है तो मुझे अच्छा लगता है. इसके अलावा ये जो मिरर आप देख रहे हो, ये मेरी शादी के टाइम से लगा हुआ है, मतलब ये पूरा बाथरूम शादी में ही बना था, बहुत ही अच्छे से बनवाया था मेरे पापा ने और मेरे हस्बैंड ने मिलके. बस इसमें क्या है कि मैंने चीजें सजा दी हैं लाला के, जो मुझे जैसे जरूरत पड़ती है. तो ये जिसकी ब्लू लाइट है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसमें फेस देखना बहुत अच्छा लगता है. मिरर अभी काफी साफ साफ भी लग रहा है. इसके अलावा यहाँ पर टूथब्रश वगैरह रखती हूँ, यहाँ पर ब्रश रखती हूँ सारे. एंड ये इसमें से कुछ चीजें अमेजोन से हैं, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी. कुछ चीजें मीशो से हैं, कुछ चीजें लोकल मार्केट से हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं. इसके अलावा यहाँ पर हमने ये ट्रे रखी है जिसमें की टाल रखी है छोटी छोटी. सो इन टाल्स को हम यूज करते हैं अपने हैंड को ड्राई करने के लिए ज्यादातर, क्योंकि जो फेस टाल है वो ये नहीं है, उनको मैं अलग रखती हूँ. तो ये फेस टाल नहीं है मेरी, कई बार यूज भी कर लेती हूँ बिकॉज काफी फ्रेश रहती हैं, इनको मैं चेंज करती रहती हूँ. मेरे पास दो ट्रे है. इसके अलावा यहाँ पर ये दो कैंडल्स मैंने रखी हैं, सो दैट थोड़ा सा एस्थेटिक भी मेंटेन रहे बाथरूम का, तो अच्छा लगता है जब ऐसे कैंडल्स वगैरह रहती है रूम में, बाथरूम में. एंड इसके अलावा यहाँ पर हैंड वॉश है ये हमारा. एंड इसके अलावा यहाँ पर ये दो जार मैंने रखे हुए हैं, अगर आप देख सकते हो, ये जार बहुत ज्यादा पसंद है मुझे. एंड मैंने बहुत ही शौक से इन्हें
मंगाया था। इसके अंदर जैसे कि मैं कुछ भी रखती हूँ, वॉशिंग का कुछ सर्फ वगैरह रख लेती हूँ, ये अच्छा लगता है क्योंकि सुंदर लगेगा तो अच्छा। मेरा मतलब मेन मोटो ये रहता है कि मुझे बस सुंदर लगना है, सारी चीजें अच्छी लगे, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो गया, यहाँ पर हम डिश वॉश करते हैं, इससे पानी आता है जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारे इधर प्रेशर पंप लगा है, जैसे कि आप देख सकते हो वाटर का फ्लो, एंड जब हम प्रेशर पंप ऑन करते हैं तो वाटर का इसका जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, लेकिन फिर उससे आवाज बहुत आती है तो आपको सुनाई नहीं देगा मैं बात क्या कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर तीन ड्रॉर बनी है, एंड यहाँ पर ये एक बना हुआ है, इसके अंदर सारे जो भी बाथरूम की चीजें जरूरी चीजें होती है बाथरूम के लिए वो सब रखी हुई हैं, जो भी आप सफाई के लिए यूज करते हो। एंड पहली ड्रॉर जो है इसमें रखा है मैंने, इसमें यहाँ पर फेशियल किट है, यहाँ पर कुछ मेरे ये शीट मास्क है मामा अर्थ के और ऐसे ऐसे करके शीट मास्क है यहाँ पे बहुत सारे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैंने क्रीम वगैरह रखी है, ये सब फेस मास्क रखा है, ये रखा है मैंने प्लम का, कुछ चीजें यहाँ पर सारे फेस पैक है सारी चीजें। एंड इसके अलावा यहाँ पर मेरा ये वयम आयुर्वेदा का ये मैं रखती हूँ मेरे फेस मास्क है, जो कि मैं बहुत रेयर यूज करती हूँ। इसके अलावा मेरी अंडर आई क्रीम भी मैं यही रखती हूँ, एंड लिप बाम यही रखती हूँ। ये अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ऐसी ड्रॉर्स हैं, मैंने ये बास्केट ऑर्डर की थी मीशो से, आई गेस ऑर्डर की है, एंड ये बास्केट में मैंने इनको अरेंज किए हैं सो दैट ये अच्छा लगे देखने में भी। एंड यहाँ पर ये मेरे सारे मुल्तानी मिट्टी है, चंदन पाउडर, इन सारी चीजें हैं। ये यहाँ पर मेरा मेकअप रिमूवर है, सारी चीजें कि मैं मेकअप वगैरह ज्यादातर यही रिमूव करती हूँ, तो यहाँ पर वो सब है। सेकेंड ड्रॉर पे अगर आते हैं तो इसमें भी कुछ जरूरत की चीजें हैं, यहाँ पर ब्लीच वगैरह है, यहाँ पर बॉडी वॉश है, यहाँ पर कुछ भी है, बहुत सारी जरूरत की चीजें, इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी बट हाँ से बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट वाली ड्रॉर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाथरूम के लिए जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस एरिया की तरफ, तो यहाँ पर ये जो प्लांट है ना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है जो कि मैं गोविंद नगर से लेके आई थी, गोविंद नगर जो है वो कानपुर में है, मैं कानपुर से हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ही प्यारा पीस है, एंड इसमें एक में मैं कॉटन रखती हूँ, एंड इसमें आपको कॉटन मिल जाएगी, एक में आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें बाथरूम के लिए बहुत जरूरी है, तो मैंने ना इनका एक अलग सेक्शन बना दिया है, तो यहाँ पर ये सुंदर लगती है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे हेयर मास्क हैं, यहाँ पर कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं, कुछ नाइट क्रीम है, तो ये बस सुंदर लगने के लिए मैंने ना सारी चीजें सजा दी हैं। एंड ऑल्सो बहुत हैंडी होता है जब मैं यहाँ पर कुछ करती रहती हूँ, मैं बस यहाँ से इसको उठाती हूँ, इसको ऐसे फटाफट खोलती हूँ एंड लगा लेती हूँ, तो ईजी रहता है मेरे लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ही मामा अर्थ की चीजें रखी हुई है, ये राइस वाटर कंडीशनर है, शैम्पू है, कंडीशनर है, एंड ये लॉरियल का कुछ चीजें हैं, तो ये सब चीजें बस मुझे सजाने में अच्छी लगती हैं, यूज भी करती हूँ, बट जब एक खत्म हो जाती है तो फिर यहाँ से दूसरा निकाल के यूज कर ले लगती हूँ, और इस जगह को फिल करने के लिए फिर मैं दूसरा ऑर्डर कर देती हूँ, ठीक है। अब आपके इस साइड पे हम चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक डोर है, एंड इस डोर के पीछे एक रूम है, वो मैं आपको कभी इन फ्यूचर दिखाऊंगी कि क्या है वो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा टॉवल सेक्शन है, जहाँ पर ये हैंड टॉवल्स हैं, कुछ ये फेस टॉवल है, एंड इसके अलावा एक मेरे हस्बैंड की है, एक मेरी है, नहीं दोनों मेरी, मेरे हस्बैंड की इसमें से एक भी नहीं है, उनकी अलग रखी हुई है अभी फिलहाल, तो ये दोनों मेरी है बिकॉज ये काफी लड़कियों वाली लग रही है, आप देख सकते हो पिंक ब्लू और व्हाइट सी, तो ये दोनों मेरी है, एंड ये हैंड टॉवल है, फेस टॉवल है। अब बढ़ते हैं शार एरिया में, जहाँ हम सब नहाते हैं और क्या, सो ये यहाँ पर भी मैंने कैंडल वैंडल चला के रखी है, काफी मेंटेन किया है एस्थेटिक को। ये शाल है, यहाँ पर ये जो है ये बहुत ही काम की चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जरूर बताना चाहूंगी। इस पे ना आप खड़े होके जब नहाते हो तो अपने पैर को जब आप रब करते हो ना, तो आपके पैर में जो भी चीजें होती है वो सब साफ साफ हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इससे ना आपके पैर अच्छे से साफ हो जाते हैं, आप पैर को रब करते रहो तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शैम्पू वगैरह रखा है मैंने, एंड ये मेरा बॉडी वॉश है, बॉडी वॉश मैं बल्क में ले मंगवाती हूँ एंड उसके बाद मैं इसको फिल कर लेती हूँ, तो ये मेरा बॉडी वॉश है जो कि मैंने इसमें करके रखा है, मैं इससे निकालती हूँ। यहाँ पर शैम्पू वगैरह है, यहाँ पर मेरा फेस वॉश है, यहाँ पर मेरा एक इसेंशियल ऑयल है जो कि मैं कई बार फेस वॉश में मिला के लगा लेती हूँ, वैसे तो मिलाती नहीं बट कभी कभी लगा लेती हूँ। टोनर वगैरह है, एंड इसके अलावा ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मैं लेके आई थी लोकल गोविंद नगर से, ये आपके पैरों को धुलने के लिए है, कई बार आप हाथों को भी धुल सकते हो, ये ना मिट्टी का बना हुआ है बट ये बहुत अच्छा है, बहुत ही आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, बहुत जेंटल भी है आपकी स्किन पे, तो ये मैं लेके आई थी 15 रुपए का था बट ये बहुत ही काम की चीज है। एंड बस यहाँ पर ये जो रेड और ब्लू का साइन होता है आपको पता ही है, गर्म और ठंडे के लिए यूज होता है। यहाँ पर ये दो
मैंने रखी हुई हैं इस पे साबुन रखने के लिए। पहले मैं साबुन का ना एरिया यहाँ पर रखती थी, यहाँ पर मैंने एक ट्रे रखी थी सोप के लिए और उसमें रखती थी, बट क्या होता था ना उससे फिर जो पानी रिसता था वो इस पे आता था और ये जो कांच का है ये खराब हो रहा था शेल्फ। तो मैंने ना इसके लिए अलग से ऑर्डर किया, इसको स्टिक कर दिया। अब जो भी ये गीला भी रहता है ना तो सारा पानी रिस के नीचे चला जाता है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पर गीजर लगा हुआ है। एंड यहाँ पर एक और चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि ये मेरे पास एक वाइपर है जिसको आप सीधा टेढ़ा सब कर सकते हो, ये हल्का सा टेढ़ा भी हो जाता है। ये कोनों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके घर में भी ना कोई कोने का एरिया है तो आप यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो ये मैं जरूर बताऊंगी इसलिए क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। तो अगर आप वीडियो देखो और आपको कुछ काम का ना मिले तो कोई मतलब नहीं बनता। बस उसके अलावा बकेट है, मग है, दैट्स इट। ये है हमारा छोटा सा बाथरूम जो कि हमने अपने हिसाब से मेंटेन करके रखा है, बहुत ही बेसिक है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा सजाया नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाथरूम में बहुत ज्यादा चीजें रखने से ना वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगने लगता है कि बहुत लाइटिंग वगैरह कर दूं मैं या फिर बहुत सारे प्लांट्स रख दूं। तो मैं बाथरूम में पर्सनली ना रियल प्लांट्स रखने में बिलीव ही नहीं करती बिकॉज मैं उनकी केयर नहीं कर पाती, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये मैंने आपको दिखाया नहीं, ये मैंने बाथरूम जो लिखा हुआ है मुझे बड़ा पसंद है, इस लिखे हुए बाथरूम के लिए मैंने काफी मेहनत की थी तब जाके मुझे मिला था। ये हमारी बाथरूम स्लीपर है जो कि हम दोनों यूज कर रहे थे, काफी बड़ी है क्योंकि हमारी जो अपनी स्लीपर होती है ना हम बाथरूम के बाहर उतार के आते हैं एंड फिर इसको पहनते हैं, इसको पहनने के बाद बाथरूम में सारा जो भी कुछ करना होता है करते हैं, उसके बाद इसको वापस से हम यहीं पर खड़ी कर देते हैं सो दैट इसका पानी निकल जाए एंड ये यहीं पर रहे क्योंकि ना फिर बाथरूम की स्लीपर पूरे घर में लेके घूमने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही सिंपल बेसिक टूर था एंड अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इस टाइप के और भी वीडियोस लाऊंगी। रूम टूर के लिए प्लीज रिक्वेस्ट मत करना, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, बट धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो भी दिखाऊँ आपको। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सो दैट उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो नए वीडियोज के साथ, क्रिएटिव चीजों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।